तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस हम दोबारा खेलने वाले हैं पर GTA 5। और गाइस फाइनली आज हम यहां पर अपनी ओल्ड एंडेवर वर्सेस न्यू एंडेवर के बीच में गाइस कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में जो है गाइस, हम लोग इन दोनों गाड़ियों का आपस में मतलब एक तरीके से भाई टग ऑफ वॉर वगैरह करने वाले हैं, साथ ही साथ ड्रैग रेसिस करेंगे और स्पीड टेस्ट भी करने वाले हैं और ऑफ रोड टेस्ट भी करने वाले हैं। मतलब आज की वीडियो गाइस फुल धमाकेदार और मजेदार होने वाली है, तो हो सके आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो। और वीडियो गाइस अगर आप लोगों को अच्छी लगे यार, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जो है जरूर से कर देना। तो गाइस फटाफट से चलते हैं अपना पहला टेस्ट की तरफ, देखते हैं पहला टेस्ट अपन कौन सा करते हैं। ओके गाइस, हम लोग जो अपना पहला टेस्ट करने वाले हैं वो होने वाला है गाइस स्पीड टेस्ट। तो देखते हैं गाइस इन दोनों गाड़ियों में से सबसे ज्यादा टॉप स्पीड यहाँ पर कौन सी गाड़ी की रहने वाली है, क्या अपनी न्यू एंडेवर की सबसे ज्यादा टॉप स्पीड रहेगी या पुरानी वाली की। तो फिलहाल हम शुरुआत गाइस जो है भाई अपनी पुरानी वाली एंडेवर से करते हैं, जिसको कि हम आज तक भाई मॉन्स्टर बीस्ट बुलाते हुए आए हैं। एंड देखते हैं गाइस इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी रहने वाली है। और यहाँ पर हम दुबई वाले हाईवे पे स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, तो ट्रैफिक भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी ट्रैफिक के बीच में फुल स्पीड टेस्ट हो रहा है गाइस। लेट सी कि अपनी ओल्ड वाली जो एंडेवर है गाइस वो यहाँ पर कितनी टॉप स्पीड तक जा रही है। लेट सी। एंड गाइस यहाँ पर अपनी जो ओल्ड वाली एंडेवर है भाई वो 200 की स्पीड तक मेरे को लग रहा है आराम से पहुँच जाएगी। एंड थोड़ा अगर गाड़ी ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो 205 भी जा सकती है। और जी गाइस देख सकते हो 200 प्लस की स्पीड में जो है भाई अपने एंडोवर दौड़ रही है भाई पुरानी वाली। मतलब भाई मानना तो पड़ेगा ये गाड़ी भाई ओल्ड इज गोल्ड तो है। फिलहाल अभी देखते हैं गाइस। एंड भाई 228 की स्पीड पे जो है गाड़ी फुल स्पीड में भाग रही है। और ओके 29 हो गई है गाइस। आई थिंक मेरे को लग रहा है 210 तक ही जाएगी शायद से, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि मे बी आगे और बढ़ जाए। ओके स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब गाइस हम मोटा मोटा एक आइडिया लेके चलते हैं, ठीक है, कि ये वाली एंडोवर 210 की स्पीड तक भाग रही है। अभी न्यू वाली एंडोवर देखते हैं गाइस वो कितनी टॉप स्पीड तक जा पाती है। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं गाइस फाइनली भाई न्यू वाली एंडोवर के अंदर। और गाइस मैंने आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो में ना भाई अपनी जो एंडोवर थी मतलब न्यू वाली वो 4x2 में देखी थी, बट गाइस अब ये गाड़ी 4x4 में हो चुकी है। आप लोग देखो ये मतलब आप लोग अगर देखोगे ना ध्यान से, तो आप लोग देखोगे जब मैं फुल थ्रॉटल के साथ गाड़ी को छोड़ रहा हूँ तब देखना दोनों टायर जो चारों टायर है ना वो स्पिन करते हैं। ये देखो मतलब अगर 4x2 गाड़ी रहती ना तो उसके सिर्फ पीछे के टायर स्पिन करते ना कि आगे वाले, तो यही होता है मतलब एक तरीके से पहचानने का तरीका कि कौन सी गाड़ी 4x4 है। तो चलो गाइस अभी देखते हैं भाई अपनी न्यू एंडेवर 4x4 यहाँ पर कितनी हाई स्पीड तक जाने वाली है। एंड लेट्स गो गाइस भाई 4x4 मोड के अंदर मेरे को लग रहा है ये गाड़ी खतरनाक ही लाइक इसका परफॉर्मेंस हो गया होगा। एंड देख सकते हो भाई गाड़ी बहुत ही जल्दी जो है गाइस भाई 200 की स्पीड पर पहुंच चुकी है गाइस। एंड फोर्थ गियर अब जाके पड़ा है इस कार के अंदर। लेट्स सी ये क्या भाई न्यू वाली मतलब ओल्ड एंडोवर का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एंड तोड़ दिया है भाई ये गाड़ी जो है गाइस देख सकते हो यहाँ पर भाई 214 किलोमीटर पर आर की, ओ भाई 215 भी हो गई गाइस। लेट्स गो एंड वेट अ सेकेंड, इस बार ही भाई इस रोड पर क्या हो गया, ट्रैफिक ही नहीं है। ओके हमें क्या करना है फिलहाल गाइस, हम लोग देखो भाई 220 की स्पीड तक जा रही है गाइस ये कार। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर रिजल्ट तो अभी से क्लियर हो रहा है कि भाई अपनी ये वाली एंडोवर जो न्यू वाली है भाई वो पुरानी वाली एंडोवर से बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, लाइक 220 की स्पीड तक भाग रही है। अभी ड्रैग रेस होने वाली है इन दोनों की आपस में, तो गाइस देखते हैं उस ड्रैग रेस में कौन विनर होता है। तो ओके गाइस यहाँ पर हम लोग ड्रैग रेस भी जो है गाइस अपने दुबई वाले हाईवे पे ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले राउंड में मैं एंडोवर को चला रहा हूँ भाई न्यू वाली को। अब देखते हैं हम ये वाली ड्रैग रेस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। फिलहाल तो दोनों गाड़ी को अपन बराबर में खड़ा करेंगे, ठीक है। एंड 3, 2, 1 एंड लेट्स गो। ओके भाई लॉन्च में ही जो है भाई अपनी न्यू वाली एंडोवर आगे है गाइस, और पुरानी वाली एंडोवर जो है भाई, और गाइस भाई नई एंडोवर की पावर देखो यार, भाई पुरानी एंडोवर को तो भाई उसने क्या ही लाइक भाई मेरे पास शब्द नहीं है गाइस। अरे भाई साहब भाई कितना ज़्यादा लंबा गैप क्रिएट कर दिया है, मेरे को नहीं लगता कि भाई पुरानी एंडोवर इतना कवर अप कर पाएगी। देख सकते हो गाइस यहाँ पर भाई अच्छा खासा डिस्टेंस बना दिया है। एंड अभी जो है भाई टॉप स्पीड के मामले में तुम लोगों को पता था कि 10 किलोमीटर पर आर का डिफरेंस निकल के आ रहा था, तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है भाई अपनी नई एंडोवर क्लियर विनर हो सकती है गाइस। अभी फिलहाल कुछ भी हो सकता है क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबा है और आगे कुछ भी हो सकता है गाइस। अब देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल तो आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पर भाई खतरनाक परफॉर्मेंस है गाइस। भाई मानना पड़ेगा न्यू एंडोवर सही में गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब लाइक जब पहले 4x2 में थी तब भी इतनी पावरफुल थी, पर अब 4x4 में जब से ये गाड़ी हुई है ना भाई भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस इसका हो चुका है गाइस। और स्पीड देख सकते हो भाई क्रेजी स्पीड है गाइस इसकी। मेरे को नहीं लगता यार कि भाई पुरानी एंडोवर इसको पकड़ भी पाएगी गाइस। वो देखो भाई पीछे आपको बहुत छोटी सी नज़र आ रही होगी, अगर आप लोग मोबाइल में देख रहे हो तो शायद ही आपको दिख रही हो अच्छे से। फिलहाल
भाई गाइस खत्म है भाई, भाई पुरानी एंडेवर का खेल खत्म है गाइस। अब से जो है भाई अपनी ये वाली गाड़ी मॉन्स्टर बीस्ट एंडेवर होने वाली है भाई, 2024 वाली एंडेवर। एंड लिटरली यार ये वाली गाड़ी का लुक वगैरह भी देखूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसके अंदर जो सनरूफ वगैरह दिए भाई वो भी देख रहे हो, फुल एकदम वर्किंग है भाई उसको। मैं अगर अच्छा अभी गाड़ी चल रही है ना तो अपन खोल बंद नहीं कर सकते, वरना मैंने उन लोगों को लाइक नॉर्मली तो यहाँ पर दिखा ही रखा है कि गाइस अपनी जो ये वाली एंडेवर है इसकी सनरूफ भी ऊपर मतलब अंदर बाहर निकल सकती है। एंड वेट गाइस तुम लोगों को देखो रिजल्ट तो अभी साफ दिख ही गया है कि यहाँ पर क्लियर विनर कौन है फर्स्ट राउंड का, ठीक है। बाकी एंडेवर पुरानी वाली आ रही है एंड मैंने ना उसको थोड़ा मोमेंटम दिया है कि वो ना मेरे से आगे निकल जाए। अब देखते हैं गाइस कि क्या अब ये वाली एंडेवर भाई उस एंडेवर को पीछे कर पाएगी। लेट सी गाइस क्या ओल्ड वाली एंडेवर को भाई अपनी न्यू एंडेवर दोबारा पकड़ सकती है, क्योंकि वो गाड़ी पहले से ही ऑलरेडी टॉप स्पीड में थी, ठीक है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है, क्या ये उसको पकड़ पाएगी या नहीं। वैसे भाई पुरानी वाली एंडेवर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना गाइस, वो भी भैया अपने टाइम की मॉन्स्टर बीस्ट मतलब ख़तरनाक गाड़ी थी और आज भी है, ठीक है। बट देखते हैं गाइस क्या होता है। ऑल राइट गैप तो यार देखो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छा खासा है, तो कवर अप मुश्किल से ही हो पाएगा गाइस। ना 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 अगर पुरानी एंडेवर को अगर मौका मिल जाए ना तो भाई ये नई एंडेवर को डेफिनेटली हरा देगी, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। बट शायद से थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि उस गाड़ी की ना टॉप स्पीड कम है मे बी। ओके ऐसा मेरे को फील हो रहा है या एक्चुअल में डिस्टेंस कवर कर रही है भाई न्यू एंडेवर। हाँ हाँ गाइस हो रहा है डिस्टेंस कवर हो रहा है, बट काफ़ी टाइम लगेगा इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए और लीड में आने के लिए। ओ भाई कर रही है गाइस कर रही है, बट फिनिश लाइन काफ़ी क्लोज है। देखते हैं गाइस क्या अपनी नई एंडेवर भाई दोबारा से इसको हरा पाएगी। लेट सी भाई काफ़ी क्लोज आ चुकी है, बट फिनिश लाइन भी काफ़ी क्लोज है गाइस। लेट सी क्या होता है, वो भाई काफ़ी क्लोज है बट ओके गाइस यहाँ पर ट्रैक थोड़ा सा छोटा पड़ गया। एंड इसी के साथ जो है गाइस अपनी न्यू वाली एंडेवर फर्स्ट राउंड की विनर हो चुकी है। बाकी सेकंड राउंड में अपन ओल्ड एंडेवर को चलाने वाले, तो देखते हैं उस ड्रैग रेस में कौन जीतेगा। ओके गाइस यकीन भाई दोनों गाड़ियां यहाँ पर मैदान में उतर चुकी है और इस बारी तुम्हारा भाई पुरानी वाली मॉन्स्टर बीस्ट एंडेवर को चलाने वाला है गाइस, तो देखते हैं आप कौन जीतेगा। तो लेट्स गो हो चुका है एंड भाई स्टार्टिंग से ही भाई न्यू एंडेवर आगे निकल रही है गाइस। और यार भाई सही में गाइस भाई नई एंडेवर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गई है भाई, पहले से तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इम्प्रूवमेंट आ गया इस गाड़ी के अंदर। एंड ओके भाई देखते हैं गाइस पुरानी एंडेवर क्या कमाल कर पाती है। भाई गैप तो भाई उसने बना दिया, आप लोग साफ साफ देख सकते हो गाइस गैप जो है अच्छा खासा यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कि अपनी ये वाली एंडेवर भाई कवर अप कर पाएगी या नहीं। भाई मुश्किल लग रहा है मेरे को, देखना बनता है गाइस क्या होगा। भाई अभी मैं कुछ भी ऐसा लाइक प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, मे बी शायद से हम जीत जाएं या फिर शायद से मे बी हम ना भी जीत पाए। बट भाई जिस हिसाब से भाई गैप बन रहा है ना, मतलब नई एंडओवर जिस हिसाब से भाग रही है गोली की तरह, मुझे नहीं लगता गाइस कि भाई हम ये रेस जीतने वाले हैं मतलब पुरानी एंडओवर से। ओ यार गाइस आई कॉन्ट बिलीव यार कि मतलब न्यू एंडओवर इतना खतरनाक परफॉर्मेंस है भाई उसका। भाई गाइस भाई 19-20 का होता समझ में भी आता है यार, ये तो 16-20 का है सीधे, समझ रहे हो 4 नंबर का डिफरेंस है गाइस सीधे। अरे यार गाइस भाई इसको हराना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लाइक तुम लोग देख सकते हो यार अपनी ये एंडओवर भाई टॉप स्पीड पे भाग रही है यार, इवन अभी तो 2-4 नंबर कम है, जब हमने टॉप स्पीड टेस्ट करा था तो 210 तक जा भी रही थी, अभी थोड़ी सी स्पीड भी कम है। बट यार भाई नए एंडओवर को देखो गाइस कैसे गोली की तरह जा रही है यार, क्या हम पकड़ पाएंगे गाइस। लेट्स सी क्या होता है भाई, कम ऑन यार भाग एंडओवर। अरे यार गाइस भाई नए एंडओवर जीत जाएगी भाई, मेरे को फीलिंग आ रही है। और लाइक इस बारी तो अपन भी ऐसा नहीं है कि हम ड्राइव कर रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत रुक जाए एंडओवर, पुरानी एंडओवर को मौका दे दिया जाए। भाई वो बंदा खुंदस में भगा रहा है समझ रहे हो, वो मतलब होता है ना एकदम असली वाला रेसर है, तो वो ना रुकने का भाई। अरे यार गाइस भाई ये रेस तो गई भाई अपने हाथ से, मतलब पुरानी एंडेवर ये रेस हार चुकी है गाइस क्लियरली आप लोग देख सकते हो। एंड अभी तो गाड़ी की स्पीड भी कम होती जा रही है धीरे धीरे, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ज़्यादा इंजन गर्म हो गया क्या भाई। वैसे ऐसा करती तो नहीं है भाई अपनी पुरानी एंडेवर, लाइक हमने इतनी बारी ड्रैग इसमें भगाई है, ज़्यादातर इसने भाई रेसेस जिता ही दिए। बट मुझे लगता है गाइस कि इस गाड़ी का अब कॉम्पिटिटर भाई आ चुका है, और कॉम्पिटिटर क्या एक तरीके से इस गाड़ी से भी ऊपर की गाड़ी अपने पास आ चुकी है गाइस न्यू वाली एंडेवर भाई। मतलब क्रेजी कार है यार वो भाई, उसका डिस्टेंस देखो गाइस वो कितने ज़्यादा आगे भाग रही है और कितना पीछे है यार।
ओके तो गाइस मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा ऐसा लाइक रेस में भगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि हम उस गाड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे। तो गाइस इस ड्रैग रेस की क्लियर विनर जो है वो यहाँ पर गाइस अपनी न्यू एंडोवर निकल के आ रही है। तो गाइस अपनी न्यू एंडोवर के पास टोटल 2 पॉइंट हो चुके हैं और अपनी ओल्ड एंडोवर अभी भी जो है यहाँ पर 0 पॉइंट पे है। बाकी देखते हैं अगले टेस्ट में भाई इन दोनों में से कौन विनर होने वाला है। तो गाइस अपना इन दोनों गाड़ियों का अगला जो टेस्ट होने वाला है वो होने वाला है गाइस यहाँ पर ऑफ रोड प्लस ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट। तो गाइस यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो ये है अपना ट्रैक और इस पे मैंने बहुत सारी गाड़ियों का आपस में कंपेरिजन वीडियो जब करता हूँ तब मैं बनाता ही हूँ, मतलब आई मीन इस ट्रैक पे हम लोग टेस्टिंग करते ही है। तो गाइस ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का मतलब क्या बोलते हैं अपना पूरा का पूरा ट्रैक है और जो भी गाड़ी इसको अच्छे से क्लियर करेगी वो इस गाड़ी मतलब इस वाले चैलेंज में 1 पॉइंट यहाँ पर लेके जाने वाली है। तो देखते हैं दोनों में से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस कौन सी गाड़ी लाइक निकाल के दिखाती है। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं गाइस अपनी ओल्ड वाली एंडोवर के साथ में गाइस एंड देखते हैं भाई ओल्ड एंडोवर जो है भाई वो लाइक ये चैलेंज कैसा करने वाली है। फिलहाल तो अभी हमें यहाँ पर पाइप क्लाइंबिंग करनी है और ओके भाई ये वाली एंडोवर हल्की सी लाइक लग रही है बट चढ़ जाएगी मेरे को लग रहा है। एंड ओके भाई बिना किसी दिक्कत के हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर कम दिख रहा है हमें गाड़ी का, चढ़ रही है एंड आराम से चढ़ रही है भाई, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके चढ़ गई। एंड भाई यही तो अच्छी बात होती है भाई 4x4 कार की, मतलब लाइक ये गाड़ी ना आराम से हर जगह चढ़ ही जाती है भाई और बाकी उतर भी बहुत आराम से गई है। अब भी जो है गाइस हम यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस और सस्पेंशन टेस्ट एक तरीके का करने वाले हैं एंड लेट्स सी। एंड ओके यार ये वाली एंडोवर ओके गाइस ये लग रही है भाई नीचे से लग रही है बट ये ट्रैक देखते हैं कैसा क्लियर करती है। ओहो भाई सस्पेंशन तो इसका भी तगड़ा है भाई, ये देखो भाई क्या ही ओहो मज़ा ही आ गया भाई इसके अंदर। सोचो अगर आप लोग बैठ के एक्चुअल में ड्राइव करोगे तो भाई क्या ही फीलिंग आती, मतलब लाइक गाड़ी पूरी ऐसी ऐसी हो रही थी भाई, मज़ा ही आया था। एंड चलो अभी यहाँ पर थोड़ा सा लाइक हल्का सा है ऑफ रोड और ओ यहाँ पर कहीं तो लगी थी भाई, ओ यार हल्की सी गाड़ी लग गई है गाइस नीचे से बट कोई नहीं इतना बहुत चलता है। एंड ओके चढ़ तो गई है अभी उतर तो आराम से जाएगी भाई मेरे को लग रहा है बिना कहीं पे दिक्कत दिए उतर जाएगी है। ओके आराम से उतर रही है आराम से, कहीं पर भी गाड़ी फंसी नहीं है गाइस आप लोग ये बात भी नोटिस करना ठीक है। एंड चलो अभी थोड़ा और एक्सट्रीम चलते हैं, अभी वुडन के जो लॉग है इनको क्लाइम करना है और भाई अपनी पुरानी एंडोवर की पावर देख रहे हो, ये देखो रोक के मैं चढ़ा रहा हूँ उसके बाद भी चढ़ रही है। एंड यहाँ पर हल्का सा ग्राउंड क्लियरेंस कम पड़ा जिस वजह से गाड़ी फंसी थी बट ओ भाई अटक गई क्या, नहीं थोड़ा रिवर्स करेंगे। ओ भाई गाइस यहाँ पर एंड भाई ये वाली एंडोवर लटक गई है भाई एंड ओके बट निकल गई है आराम से निकल गई है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई गाइस। आगे देखते हैं ये थोड़ा पत्थर वाला इलाका है और यहाँ पर हल्का सा गाड़ी नीचे लड़ रही है बट कर गई पार, आराम से पार कर गई, कोई दिक्कत नहीं आई है गाइस। एंड अभी बारी है यहाँ पर तो ओके आगे से बम्पर लड़ रहा है और गाड़ी चढ़ नहीं रही है, अरे भाई साहब यहाँ पर तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है गाइस बट कोई नहीं चढ़ाते हैं। ओके चढ़ नहीं रही है गाइस ये एंडोवर, चढ़ गई भाई, थोड़ा सा मोमेंटम चाहिए था इसको। ओके मेरे को लग रहा है ओके चढ़ गई भाई, पावर मतलब लाइक थोड़ा स्पीड चाहिए थी और आराम से चढ़ गई है गाइस, बाकी उतर तो आराम से जाएगी, ये देखो बहुत प्यार से उतर चुकी है। एंड चलो गाइस यहाँ पर दोबारा वुड लॉग आ चुके हैं एंड इनको भी आराम से क्लाइम कर लिया एंड यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं। ओके ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है गाइस अपनी एंडोवर का, लाइक ये तो भैया जो है अपना मेरे को लग रहा है जो है अपना पूरा 1 पॉइंट यहाँ पर ले जा चुकी है, बाकी अभी नई वाली एंडोवर का देखते हैं क्या सीन का होता है। तो फिलहाल अभी इसको यहाँ पर हम लोग पार करेंगे इसके बाजू में ठीक है और चल के बैठते हैं गाइस अपनी नई वाली एंडोवर के अंदर। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ गाइस इस ऑफ रोड टेस्ट में करने के लिए। पहले तो भाई सनरूफ बंद करो अपनी, हाँ सनरूफ जरूर बंद होनी चाहिए भैया, धूल मिट्टी घुस जाए कुछ भी भरोसा नहीं है, अंदर से इंटीरियर क्लीन कराने में भैया हालत ख़राब हो जाएगी। चलो गाइस अभी देखते हैं गाड़ी का कैसा रहने वाला है सिस्टम। और ओ भाई साहब गाइस भाई नई एंडोवर तो यहाँ पर टकरा रही है गाइस, और ये क्या ये चढ़ेगी भाई यहाँ पर, अरे भाई गाइस भाई इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस गेम के अंदर इतना कम है, दिख तो बड़ा रहे। ओ गाइस भाई ये वाली दिक्कत है भाई, ये तो दिक्कत है, थोड़ा साइड से चढ़ाते हैं अपन। चलो यहाँ से भाई गाइस अभी देखो कोई भी नहीं बोलेगा कि गाड़ी 4x4 नहीं है, देखो तुम लोगों के सामने है भाई, ये देखो आगे के टायर भी स्पिन कर रहे हैं और पीछे का टायर भी स्पिन कर रहा है, तो गाड़ी प्रॉपर 4x4 में है ठीक है, ऐसा कोई कमेंट भी नहीं लिखेगा कि गाड़ी के साथ में नाइंसाफी हुई है। बाकी गाइस
यहाँ पर तो ये पहले ही नहीं चढ़ रही है, तो आगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है मेरे को लग रहा है। ओके ओके चलो, फाइनली साइड से थोड़ा ऊंचा था वहाँ से हमने चढ़ाया, चढ़ गई। बट गाइस ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ओ भाई नई एंडेवर का ग्राउंड किट्स इतना कम है गाइस। भाई गेम के अंदर इसका ग्राउंड किट्स सही में बहुत कम है गाइस, मजाक से हट के यार ये। अरे ये तो चढ़ ही नहीं रही है गाइस यहाँ पर। ओके दोबारा चढ़ाते। अरे भाई साहब, भाई यहाँ तो पावर भी काम नहीं आ रही। ये देखो गाइस, भाई अब तो कैसे होगा फिर, कैसे होगा। ओके स्पीड में चढ़ा के देखते हैं। अरे 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 भैया यू क्या हो गया भाई। गाइस नई एंडोवर ने जिस तरीके से अभी तक परफॉर्मेंस दिखाया था भाई, अब मेरा मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया भाई इस कार से। बट अगेन ओके मोमेंटम में चढ़ गई है भाई। चलो फाइनली स्पीड में चढ़ गई और ओके आराम से उतर गई है। बट मतलब लाइक थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ भाई यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी देख सकते हो गाड़ी लड़ रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा लड़ रही है। एंड इवन इसको पार करने में इसको बहुत दिक्कत आ रही है गाइस, मजाक से हट के। एंड चलो फाइनली पार कर लिया भाई अपनी नई एंडेवर ने भाई। दिक्कत है गाइस, काफ़ी दिक्कत है। एंड इसका बम्पर देख सकते हो आगे से काफ़ी डैमेज हो चुका है भाई, बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया है। एंड चलो अभी ये तो कर जाएगी आराम से, बाकी आगे देखते हैं गाइस आगे भी क्या ये अटकने वाली है कहीं पर, देखते हैं भाई क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर ये लो भाई, यहाँ पर ही अटक गई है, कोई नहीं चढ़ाते हैं दोबारा। चढ़ गई। एंड ओ गाइस यहाँ पर भाई नई एंडोवर से ये एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं थी गाइस। भाई ये गाड़ी 4x4 मोड में भी है, सब कुछ है इसके अंदर, ट्रैक्शन ब्रैक्शन सब ऑन है, सब कुछ बढ़िया है, बट उसके बाद भी ये चढ़ के नहीं दे रही है गाइस। दोबारा ट्राई करते हैं लोग। ओके स्पीड में चढ़ गया। चलो भाई इसको ना स्पीड में ही चढ़ाना पड़ेगा और स्पीड में ही चलाना पड़ेगा हर जगह। मैं समझ गया ये आराम से लाइक कोई भी चीज़ पार नहीं कर सकती, ठीक है। एंड यहाँ पर भी स्पीड चाहिए और ले लो भाई स्पीड की, इनने पूरी वाट लगा के रख दी है। अरे यार चढ़ ही नहीं रही है गाइस, थोड़ा मोमेंटम लाते हैं इसके लिए। एंड चलो चढ़ जाओ। ओके चढ़ गई। ओके गाइस ये गाड़ी ने स्पीड के साथ तो सारे चैलेंजेस लाइक कर जाएगी, बट स्लो करोगे तो नहीं होगा भाई, इसके बस का नहीं है। एंड चल। ओके यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो पावर असली दिखी है। बाकी इस गाड़ी का गाइस जो ग्राउंड किट्स है वो मेरे को लग रहा है पुरानी एंडेवर से काफ़ी कम है, मतलब गेम के अंदर बात करो, ऐसा रियल लाइफ से आप लोग कंपेयर मत करना। तो गाइस इस वाले मतलब टेस्ट में तो भाई मेरे को लग रहा है पुरानी एंडेवर को ही हमें एक पॉइंट देना पड़ेगा। तो चलो अभी जो है भाई, अभी भी अपनी नई एंडेवर मतलब लीड में, आई मीन इसके पास 2 पॉइंट है, अपनी ओल्ड एंडेवर के पास 1 पॉइंट है। बाकी अगला जो अपन टग ऑफ वॉर करने वाले गाइस उसमें देखते हैं कौन विनर होता है। तो गाइस अभी हम इन दोनों गाड़ियों का आपस में करने वाले हैं अपन टग ऑफ वॉर। और गाइस टग ऑफ वॉर में भाई जो है अपन क्या करने वाले हैं कि भाई यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एक तरफ तो है अपना ट्रेवर भाई और दूसरी तरफ है अपना माइकल भैया, ठीक है। तो ये दोनों लोग जो है भाई इन दोनों गाड़ियों की आपस में टग ऑफ वॉर करने वाले हैं, हम बस यहाँ पर भाई बैठ के रेफरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो दोनों साइड में मैंने फिनिश लाइन बना दी है, ये है भाई एक फिनिश लाइन और एक फिनिश लाइन है गाइस इस तरफ। तो जो भी गाड़ी सबसे पहले भाई अपनी फिनिश लाइन टच कर ले जाएगी वो जो है गाइस इस टग ऑफ वॉर की पहले राउंड की क्लियर विनर होने वाली है। तो देखते हैं भाई दोनों में से कौन जो है भाई फर्स्ट राउंड में विनर होता है। तो ओके गाइस यहाँ पर अपनी टग ऑफ वॉर हो गया स्टार्ट और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई दोनों ड्राइवर जो है गाड़ी को ड्राइव करने लगे हैं। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, यहाँ पर जो है भाई अपनी नई वाली एंडेवर पुरानी एंडेवर को घसीटते हुए ले जा रही है। और अभी तक तो जो है भाई नई एंडोवर भाई मेरे को ज़्यादा पावरफुल दिख रही है और भाई मेरे को लग रहा है पहले राउंड में तो भाई अपनी नई एंडोवर जो है भाई पुरानी एंडोवर के ऊपर हरा देगी भाई आराम से। क्योंकि ये गाड़ी देखो भाई, भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है यार, बस चलती जा रही है। और यहाँ पर जो है गाइस भाई अपनी नई एंडोवर भाई क्लियर विनर हो चुकी है गाइस पहले टग ऑफ वॉर राउंड की। बाकी अपनी पुरानी एंडोवर भी भाई कोशिश तो पूरी कर रही है। तो चलो गाइस अभी अपन सेकंड राउंड करने वाले और सेकंड राउंड में हम लोग ना ड्राइवर को एक्सचेंज कर देंगे, ऐसा आप लोगों को ना लगे कि भैया ड्राइवर का पंगे की वजह से जो था भाई गाड़ी हार गई, ऐसा ना लगना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग सेकंड राउंड में ड्राइवर एक्सचेंज करने वाले हैं। तो चलो गाइस फटाफट से जो है वो वाली टग ऑफ वॉर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इस बारी मैंने ड्राइवर को एक्सचेंज कर दिया और दोनों लोग गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और टग ऑफ वॉर हो चुके हैं स्टार्ट। और इस बारी देख रहे हो माइकल जो है भाई अपनी नई एंडेवर को ड्राइव कर रहा है। इसे देखो, तुम लोग को यकीन नहीं हो रहा है, ये देखो भाई माइकल भाई साहब जो नई वाली एंडोवर को चला रहे हैं, पिछली बारी ये ट्रेवर भाई साहब चला रहे थे। एंड गाइस यहाँ पर रिजल्ट बिल्कुल पिछले बार जैसा ही है गाइस, अपनी नई वाली एंडोवर जो है वो भाई यहाँ पर पुरानी एंडोवर को बहुत ही आराम से लाइक हराते हुए हमें नज़र आ रही है।
एंड गाइस यहाँ पर नई वाली एंडीवर अगेन जो है भाई सेकंड राउंड में भी जो है विनर हो चुकी है गाइस। तो अभी मुझे लग रहा है कि मुझे खुद से भाई एक बारी ना पुरानी वाली एंडीवर को चला करना पड़ेगा। एंड फिलहाल तो आप लोग रिजल्ट जो है क्लियर देख लो कि यहाँ पर नई एंडीवर दोनों राउंड में क्लियर विनर है। तो गाइस आज के देखो वैसे अपने चैलेंज के जो विनर है वो तो तुम लोगों को पता लग गया है, बट अभी ना मैं एक बार ये खुद से जो है पुरानी एंडोवर को चलाने वाला हूँ एंड देखने वाला हूँ कि क्या एक्चुअल में जो है भाई नई एंडोवर सही में इतनी पावरफुल हो गई है कि भाई वो पुरानी एंडोवर को लाइक हरा ही नहीं पा रही है यार। तो गाइस इस बारी मैं जो है भाई अपनी ओल्ड एंडोवर को चलाने वाला हूँ और पुरानी वाली एंडोवर को भाई जो है माइकल भाई सब चला रहे हैं एंड देखते हैं इस बारी रिजल्ट क्या रहता है। एंड वेट उन्हें रिवर्स गियर क्यों डाला मेरे को नहीं पता, बट गाइस यहाँ पर भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ कि भाई नई एंडोवर, अरे यार गाइस भाई सही में नई एंडोवर भाई खींच के ले जा रही है। बट नहीं यार, अगर थोड़ा दिमाग से अगर गाड़ी को लगाया जाए ना, मतलब असली जो होता है ना एक ह्यूमन और लाइक एआई बॉट में भाई यही फ़र्क होता है कि एक ह्यूमन जब चलाता है ना तो उसकी साइकोलॉजी और उसमें बहुत अंतर होता है। बट गाइस भाई आप लोग अभी क्लियरली देख सकते हो मैं फुल थ्रॉटल दबा के रखा हूँ, आप लोग आरपीएम मीटर भी देख सकते हो, बट उसके बाद भी गाइस जो है भाई नई वाली एंडोवर भाई यहाँ पर भाई पुरानी एंडेवर को खचेड़ते हुए ले जा रही है भाई। तुम लोग गाइस खुद देख लो भाई, ये देखो मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, ओके अभी रोक दिए बट अरे अरे उसने रिवर्स गियर डाल दिया, मेरे को पता नहीं क्यों उसने ऐसा करा। बट गाइस यहाँ पर भाई सही में जो है नई एंडेवर गाइस ज़्यादा पावरफुल है कंपेरिजन टू ओल्ड एंडेवर। तो गाइस जहाँ पर जो है क्लियर विनर तुम लोगों को अभी दिख चुका होगा कि एक्चुअल में जो है क्लियर विनर आज की इस वीडियो का कौन है। मतलब लाइक देखो भाई सारे पॉइंट मतलब जो है भाई अपनी नई एंडोवर ने ज़्यादा करे हैं। देखो भाई क्या बोलते हैं, पहले टॉप स्पीड में इसको एक पॉइंट मिला, फिर उसके बाद ड्रैग रेस में इसको एक पॉइंट मिला, फिर उसके बाद जो है टग ऑफ वॉर में इसको एक पॉइंट मिला। ठीक है, एक पॉइंट जो लूज हुआ था वो हुआ था गाइस यहाँ पर ऑफ रोड वाली जगह पे, वहाँ पर ये गाड़ी लाइक उतने अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाई जितना कि मैंने और आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी होंगी मतलब इस गाड़ी के साथ में। बट ठीक है यार, कोई नहीं, इतना बहुत तो चलता है, मतलब लाइक गेम है यार तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ तो मतलब लाइक ये सब डिफरेंसेस तो देखना को मिल ही सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस आज की वीडियो जो है हम लोग फिलहाल यहीं पर एंड करते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को ये वाली कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ जाके इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि मैं ना नेक्स्ट सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंपैरिजन करने वाला हूँ लेजेंडर वर्सेस न्यू वाली एंडोवर का। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट में आके बता देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।